27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा आ रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश आप कर चुके हैं, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आप आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और जल्द से जल्द शादी होने का योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद ना कर पाएं तो ऐसी भी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है, कुछ जन्म कुंडलियों में मंगल दोष बन जाता है, और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो पाप प्रभाव में आ जाता है। राहु केतु शनि सूर्य मंगल जैसे अलगाव आदि ग्रह के प्रभाव में आने के कारण जल्दी से शादी नहीं हो पाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पाएगा। रिश्ते तो आएंगे, लेकिन ऐसे रिश्ते आएंगे जो हमारे लेवल के नहीं होंगे, तो वो हम अपनी तरफ से मना कर देंगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें पसंद हैं तो वो सामने से पक्के नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब जन्म कुंडली का सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यदि आपके साथ बनी हुई है, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय में वो शक्ति है कि विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने के योग बना देता है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए विवाह से संबंधित नई नई शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और बिना किसी अड़चन के वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। मान लीजिए ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं और भविष्य में ये वीडियो दोबारा से आप देखना चाहोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि सुबह के समय भी ये उपाय किया जा सकता है, और सुबह के समय यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, तो शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा? ये उपाय करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? शिव मंदिर में आपको जाना होगा। क्या लेकर के अपने साथ जाना होगा? एक चावल का दाना, बिल्कुल साबुत चावल का दाना आपके पास होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत चावल का दाना आप अपने साथ लेकर जाइए। और क्या लेके जाना है? एक बेल पत्तर, बिल्कुल साफ सुथरा, कटा फटा बेल पत्तर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा बेल पत्तर आपके पास होना चाहिए, वो आपको लेकर जाना है साथ में। और क्या लेकर जाना है? एक चंदन आपको लेके जाना है, सफेद रंग का चंदन और पीले रंग का चंदन। अब यहां पर समझने वाली बात है, यदि ये उपाय आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हो तो आपने पीले चंदन का प्रयोग में लेना है, और यदि लड़के के लिए कर रहे हो तो सफेद चंदन आपने प्रयोग में लेना है। तो दोनों में से एक चंदन आप ले लीजिए, वो आप देख लीजिए कि आपकी बेटी की शादी में देरी चल रही है या आपके बेटे की शादी में देरी चल रही है। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, यदि आप लड़का हो तो सफेद रंग का चंदन, और यदि लड़की हो तो पीले रंग का चंदन। और क्या लेके जाना है अपने साथ? और एक बाल्टी आपके पास होनी चाहिए,
बाल्टी के अंदर आपने पानी डालना है और एक लोटा आपके पास होना चाहिए। ये बाल्टी और लोटा हो सकता है कि आपको मंदिर से ही मिल जाए, क्योंकि हर मंदिर में बाल्टी और लोटा तो मिल ही जाता है। बाल्टी आप समझते हैं, पात्र जिसके अंदर हम पानी डालते हैं उसको बाल्टी बोलते हैं। तो आप लेकर के अपने साथ भी जा सकते हैं और मंदिर में यदि उपलब्ध है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध आपके पास होना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल होना चाहिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी, सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल हो जाएंगी, बस समझने की आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये सारी चीजें लेकर के आपने शिव मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले उस बाल्टी के अंदर आपने गंगा जल डालना है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपने बाल्टी के अंदर गंगा जल डाल लेना है, उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध उसके अंदर डाल लेना है। जो दूध आप अपने साथ लेकर जा रहे हो तो बाल्टी के अंदर वो कच्चा दूध आपने डाल लेना है और उसके बाद उस बाल्टी को जल से भर लेना है और एक लोटा आपने उस बाल्टी में रख लेना है या अपने पास रख लेना है। अब उपाय किस प्रकार से करना है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो चावल आप लेकर के गए हो, साबुत चावल, वो चावल आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपने उसको रख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो बेल पत्र आप लेकर के गए हो तो चंदन की सहायता से बेल पत्र पर आपने ओम लिखना है। बेल पत्र की तीन पत्तियां होती हैं तो तीनों पत्ती पर आपने ओम लिखना है, बीच वाली पत्ती पर भी और दो साइड में जो पत्तियां होती हैं वहां पर भी, तीनों पत्तियों पर आपने ओम लिखना है। यदि आप लड़के हो तो सफेद चंदन से, लड़की हो तो पीले चंदन से। यदि आप माता पिता हो तो लड़की के लिए कर रहे हो तो पीले चंदन से और लड़की के लिए कर रहे हो तो सफेद चंदन से आपने ओम लिखना है। और ओम लिखने के बाद उस बेल पत्र को आपने जहां पर जो चावल आपने रखा है शिवलिंग के ऊपर, उसी के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। इतना सा आपको समझ में आ गया? बेल पत्र कैसे अर्पित किया जाता है वो तो आप समझते ही हो। तो बेल पत्र को आपने अर्पित कर देना है, जिस साइड जो चिकना हिस्सा होता है वहां पर आपने लिखना है और लिखा हुआ हिस्सा आपने चावल की तरफ यानी शिवलिंग की तरफ करके रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। आगे क्या करना है, ये जो बाल्टी में आपने पानी लिया है जिसके अंदर आपने गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और इसको जल से भर रखा है, तो इस बाल्टी में से आपने पानी के लोटे लेने हैं। जो पानी का लोटा अपने पास रखे हैं तो वो लोटे कितने लेने हैं, आपने 11 लोटे पानी के उस बेल पत्र पर अपनी मनोकामना बोलते हुए धार बना करके अर्पित करने हैं। बाल्टी में पानी है, लोटा आपके पास है, तो लोटे में पानी लिया और जहां पर आपने जो बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है तो उस बेल पत्र के ऊपर आपने शिवलिंग के ऊपर धार लगानी है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको लगाइए, ये जो बेल पत्र है कई बार जब आप धार लगाओगे तो नीचे भी गिर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन में संशय नहीं करना है। यदि गिर गया तो गिरने दो, नो प्रॉब्लम, बस एक बार आपने रखना है, क्योंकि बेल पत्र है, जब आप पानी उस पर छोड़ोगे तो वो चावल भी नीचे गिरेगा, बेल पत्र भी नीचे गिर सकता है। यदि ना गिरे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नीचे गिर जाए शिवलिंग से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बस एक बार अर्पित कर दिया, सो कर दिया, उसके बाद आपने 11 पानी के लोटे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं धार बना करके। और बोलना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 11 पानी के लोटे आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं और उसके बाद आपने हाथ जोड़ करके जल्दी शादी होने की प्रार्थना भोले बाबा के सामने करनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। चाहे आप माता पिता हो तब भी आपने इसी प्रकार से करना है, और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए करना चाहते हो तो तब भी आपने इसी प्रकार से करना है। यदि आप माता पिता हैं तो प्रार्थना में बोलना है कि अपने बेटे की जल्दी शादी के लिए ये मैं उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और यदि आप बच्चे खुद हैं तो बोलना है कि अपनी जल्दी शादी के लिए मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये उपाय यदि आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कर देते हैं तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और शीघ्र से शीघ्र विवाह होने के योग आपकी जन्म कुंडली में बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और साथ में
इस दिन सोमवार है, तो सोमवार पूर्णिमा का अपने आप में एक अलग से महत्व होता है और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग तो एक दुर्लभ योग बन जाता है। तो इस दुर्लभ योग में आपने ये उपाय जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है उसका मुख्य कारण क्या बनता है ये आप मुझसे जानना चाहते हो, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हो तो अपने बच्चों की जन्म कुंडली लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।